हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपको करवाऊंगा, तो मैं सबसे पहले आपको वन शॉट लेके आया हूं अमीन चैप्टर का। और भाई, ये चैप्टर मतलब सबसे पहले आपको करना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा चैप्टर है, और इस पे जो जो रिएक्शंस मैं बताऊंगा वो रिएक्शंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बहुत आसानी से आप इसमें स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो अमीन चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जिसको कई कई जगह पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लिखा रहता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार चैप्टर में। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, अमीन क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और वो सब। फिर प्रिपरेशन देखेंगे कि अमीन को कैसे बनाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो सब आएगा। केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ये केमिकल रिएक्शंस में कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जिन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक करेक्टर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक करेक्टर पे भी सवाल आने वाला है, एनिलीन पे भी सवाल आने वाला है, ईएएस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एनिलीन की, उन पे भी सवाल आने वाला है। चलो शुरू करते हैं भाई, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मैंने बता दिया वन शॉट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, तो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, शुरू करते हैं अमीन, ठीक है। तो अमीन मतलब होते क्या है, अमीन मतलब क्या होते हैं, अमीन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और आप सबको पता है कि यार नाइट्रोजन है ना जो तीन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन क्या बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है। तो मतलब आप ले लो अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल यही आ सकता है कि अमोनिया में ना नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है। तो अमोनिया ले लो, तो इसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, और जो शेप है वो पिरामिडल रहेगा, क्या रहेगा, पिरामिडल, ठीक है भाई। अब क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर, अच्छा बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री के आसपास में रहता है। तो जनरल जो अमाइन होंगे, जनरल अमाइन, उनमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। तो जैसे अगर तीन हाइड्रोजन है, मान लो मैं तीनों हाइड्रोजन ही रखूं, तब तो ये अमोनिया हो गया। इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं कोई आर ग्रुप लगा दूं, जैसे CH3 लगा दिया, C2H5 लगा दिया, जैसे CH3 लगा देते हैं सिंपल, और ये हो गया H, तो ये अपना ना 1 डिग्री अमाइन होगा। अगर मान लो दो CH3 लगा दिया आपने, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और अगर तीनों CH3 लगा दिया, अच्छा CH3 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ यार, है ना, कुछ और भी लगा सकते हो आप, C2H5 भी लगा सकते हो। तो ये वाला 1 डिग्री अमाइन हो गया, तो 1 डिग्री में याद रखना NH2 होगा, मतलब पहचान क्या है कि NH2 अगर दिख गया तो 1 डिग्री। ये वाला क्या होगा अपना, 2 डिग्री अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन, मतलब उसमें NH दिख गया तो 2 डिग्री, और फिर ये अपना क्या हो जाएगा भाई, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा, टर्सरी अमाइन हो जाएगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ये तीनों एक दूसरे के ना फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, इनकेस इफ देयर मोलिकुलर मास इज सेम। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि अमाइंस जो है ना वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करे जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो जैसे अमोनिया का सेप था, वैसे ही अपना इनका सेप है यार, तो पिरामिडल सेप ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, और बॉन्ड एंगल 107, 108, 109 डिग्री के आसपास में ही रहेगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं बोलो, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स रहते हैं, ठीक है। अमाइन आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर द सेम, अगर सारे एल्काइल और एराइल सेम ग्रुप है, मतलब जैसे इधर CH3 लगा है तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो वो सेम है, तो मतलब वो सिंपल अमाइन कहलाएगा, मिक्स्ड अमाइन कहलाएंगे। मान लो इधर CH3 है, इधर C2H5 है, वो सारे, तो हम लोग मिक्स्ड अमाइन बुला देंगे जब ये ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्लासिफिकेशन ज्यादा सिंपल ही है, मतलब क्लासिफिकेशन में क्या, एक एलिफैटिक हो सकता है, एक एरोमेटिक हो सकता है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे तो वो एरोमेटिक अमाइन कहलाएंगे, मतलब इस तरह से जो अपना एनिलीन है, जो एनिलीन है वो एरोमेटिक अमाइन है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप ये वाला देखोगे बेंजीन पे CH2NH2, तो ये वाला अपना वो नहीं होगा, एरोमेटिक अमाइन नहीं होगा, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक, याद रखना ये बात, दिस इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री वाली बात हो गई, मैंने बोला था NH2 होगा तो 1 डिग्री, NH होगा तो 2 डिग्री, और अगर तीनों ग्रुप ही डिफरेंट है, मतलब तीनों ग्रुप कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री हो जाएगा, एंड ऑल दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो बहुत ही बढ़िया, सेप देख लो एक बार, सेप देख लो, टर्सरी अमाइन वाले का मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है, पिरामिडल सेप होता है जब तीनों CH3 जुड़े होंगे और एक लोन पेयर होगा ये, तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp3 होगा यार, ये सवाल पूछ सकते हैं इस पे,
कि सीधा सीधा टर्शियरी अमाइन में या फिर अमाइंस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3 शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, पिरामिड जैसा, ऐसा लोन पेयर को छोड़ दोगे तो ऐसे पिरामिड बन जाएगा, और बॉन्ड एंगल 108 डिग्री के आसपास में रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यहां पर 108 है लोन पेयर की वजह से, अमोनिया में 107 होता है। एक सवाल यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट बनता है जो बच्चे जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, अमोनियम आयंस, ये अमोनियम जिसमें नाइट्रोजन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है और इसमें एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो यहां पर जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल होता है। अमोनियम आयंस इट्स जस्ट लाइक मिथेन, CH4 जैसा होता है ये, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में बहुत ही सिंपल सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन है रिडक्शन कर लेते हैं हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स का, SnHCl यूज कर सकते हो या FeHCl यूज कर सकते हो। तो ये SnHCl जो है ना आपको अगर कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है ना। SnHCl कहीं पर भी दिख जाए तो समझ लेना नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के काम आता है, या H2PD भी यूज कर सकते हो। तो ये रिडक्शन है सिंपली, है ना, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस पे ना एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही पॉपुलर वो है अपना कन्वर्जन है, ठीक है ना। इस चैप्टर में से ना कन्वर्जन काफी पूछा जाता है यार, और कन्वर्जन है अपना कि भाई आप बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करो, ठीक है, सुनना ध्यान से, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करो, मतलब ये बेंजीन है अपना और इसको एनिलीन में कन्वर्ट करो। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि हम लोग जब भी नाइट्रोजन जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ NO2 ही जोड़ा जा सकता है बेंजीन पे, तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और उससे अपना बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। और फिर इसका रिडक्शन कर देंगे भाई SnHCl या फिर FeHCl यूज करके। तो बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है ना, एक स्टेप में नहीं हो सकता, दो स्टेप का काम है ये। पहले नाइट्रोबेंजीन बनाओगे, दिस इज नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 से नाइट्रेशन करेंगे, NO2 चिपकेगा, फिर उसका रिडक्शन कर देंगे। SnHCl भी यूज कर सकते हो या फिर FeHCl भी यूज कर सकते हो या H2PD भी यूज कर सकते हो और अपना एनिलीन बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एकदम स्टैंडर्ड है, फिक्स है, कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स हो गया। अमोनोलिसिस देख लेते हैं। अमोनोलिसिस में ना कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ कि ये क्या है, मतलब ठीक है ये रिएक्शन होती क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अमोनोलिसिस में आप क्या करो, अमोनोलिसिस में क्या करो आप लोग, मैं बताता हूँ क्या करना आपको। आपको जो मैंने अमाइंस सोचने का तरीका बताया था ना, बस वैसा ही है, मतलब अमोनिया की रिएक्शन मान लो आप लोग कर रहे हो CH3Br के साथ में, ठीक है, तो कुछ मत करो आप, इस H की जगह पर ना CH3 जोड़ दो तो यहां पर CH3 आ जाएगा, मतलब जो यहां पर चीज है ना वो जोड़ दो, अगर CH3 है तो CH3 जोड़ देंगे, C2H5 है तो C2H5 जोड़ देंगे, पहला तो ये बन जाएगा। फिर और CH3Br, ये वाला भी CH3Br के साथ में रिएक्शन करेगा, तो एक और H की जगह पर CH3 जोड़ दो तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, अच्छा भाई ठीक है, 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। फिर ये वाला और CH3Br के साथ में रिएक्शन करेगा तो हो सकता है कि 3 डिग्री अमाइन बन जाए, है भाई 3 डिग्री बन जाए, और ये वाला फिर से CH3Br के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्वार्टनरी सोल्ट भी बन सकता है। तो एक्चुअली ना इसमें एक मिक्सचर बनता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा, 1 डिग्री अमाइन भी बन सकता है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री, और बन सकता है क्या, बनेगा। तो अमोनिया से शुरुआत करेंगे, अगर अमोनिया एक्सेस में है तब तो रिएक्शन 1 डिग्री पर ही रुक जाएगी क्योंकि अमोनिया ही अमोनिया अटैक करता रहेगा फिर, लेकिन बाकी केसेस में क्या होगा, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, क्वार्टनरी सोल्ट बनेगा। तो क्या ये बहुत अच्छा मेथड है, क्या ये बहुत अच्छा मेथड है अमाइंस बनाने का? नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अमाइंस बनेगा, 1 डिग्री वाला भी, 2 डिग्री वाला भी, 3 डिग्री वाला भी, अब उनको सेपरेट कैसे करोगे? मान लो तुमको 1 डिग्री चाहिए तो बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे बाहर निकालोगे, उनको सेपरेट करोगे, वो मिक्स रहेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसलिए दिस इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अमाइंस, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं बोर्ड में कि अमोनोलिसिस एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्यों? बिकॉज ए मिक्सचर ऑफ अमाइंस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। नाइस, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर ये हो गया, देखो मैं वही आपको बता रहा था कि 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री बनेगा और क्वार्टनरी सोल्ट भी बन जाएगा। तो दिस इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रोड्यूस
अमाइंस। अच्छा, अगर प्राइमरी अमाइन बनाना होगा तो क्या करेंगे, अमोनिया को एक्सेस मिलेंगे, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, क्योंकि फिर अमोनिया अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैक करते रहेंगे तो 1 डिग्री बनेगा। अच्छा, उसके अलावा ये वाली चीज तो स्टैंडर्ड है यार, आर आई में रिएक्शन फास्ट होगी, फिर आर बी आर आर सी एल, अरे आर आई का बॉन्ड ऐसा है, आर बी आर का बॉन्ड ऐसा है, आर सी एल का बॉन्ड ऐसा है, तो आर आई वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, जब अमोनिया अटैक करेगा तो आयोडीन आसानी से निकल के चला जाएगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स बहुत सिंपल है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एच टू निकल यूज करेंगे, बस दोनों एच एच चिपका देना है। क्या करोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को हटा दो, सी एन में कन्वर्ट कर दो, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बना के खुश रहता है, तुमने उसके बॉन्ड छीन लिए। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है, तुमने उसके बॉन्ड छीन लिए। क्या करोगे, इधर एच इधर एच इधर एच इधर एच, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना सवाल कैसे पूछे जाएंगे, जो CN है ना वो एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है, ठीक है, तो इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये वाले एग्जांपल से देखना। जैसे मान लो तुमको दे दिया कि CH3Br है और इसको कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 में, ठीक है, CH3Br है, इसको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड है बिल्कुल, दिमाग में लग रहा होगा अरे बहुत डिफिकल्ट है, आपको ऐसा सोचना है कि इधर एक कार्बन है इधर 2 कार्बन है, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ानी है। आप याद रखना केमिस्ट्री में जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो ना तो KCN आएगा, कौन आएगा, KCN आएगा, तो इसमें क्या करो KCN की रिएक्शन करवा दो। लेकिन KCN की बात ये भी है कि वो एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, क्लोरीन पे या ब्रोमीन पे या आयोडीन पे, कभी भी अल्कोहल पे अटैक नहीं करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो KCN अगर यूज कर लिया तो ये CN चिपक जाएगा, देखो एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन था इधर 2 कार्बन हो गए। अब क्या कर दो, इसका रिडक्शन कर दो H2 निकल के साथ में या LiAlH4 के साथ में, तो ये CH2NH2 हो जाएगा, सही है, 2 स्टेप में होगा ये प्रोसेस भी। मैंने क्या बोला था, इसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो एक एग्जांपल ये और कर लो, CH3OH है, इसको कर लेंगे CH3CH2NH2 में। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, डायरेक्टली KCN यूज करो और रिडक्शन कर दो। मैंने क्या बोला था, KCN सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, एल्कोहल पे अटैक नहीं करेगा, तो पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, HBr यूज कर लो, तो CH3Br क्या हो जाएगा, CH3Br, फिर KCN यूज करो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और फिर H2 निकल, ठीक है ना। तो वैसे बोर्ड में वैसे मतलब 2 स्टेप का ही पूछा जा सकता है, 2 स्टेप का ही पूछेंगे, लेकिन कभी हो सकता है इसको इसमें कन्वर्ट करवा लें तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको बताया KCN कब यूज करेंगे, जब कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, और एल्कोहल पे यूज नहीं करेंगे, एल्कोहल पे अटैक नहीं करेगा। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो गया ये। उसके अलावा दोस्तों एक बात और है ना, मतलब ये छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे CH3Br है राइट, अगर इसको KCN से रिएक्शन करेंगे और AgCN के साथ में करेंगे तो ना अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप लोग बोलो अरे यार ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। CH3Br है, CN चिपक जाएगा तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, और अगर हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है, CH3CH2NH2 राइट, CH3CH2NH2। यहीं पर अगर AgCN करते हो ना तो ये एक्चुअली ना नाइट्रोजन अटैक करेगा इस केस में, और CH3NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, बहुत ही खराब स्मेल होती है इनकी, इनको बोलते हैं फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड जो है बड़ी बदबूदार स्मेल होती है, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। और अब इसका रिडक्शन करोगे ना तो भाई साहब 2 डिग्री अमाइन बन जाएंगे। तो एक बात याद रखना, बस कभी 1 डिग्री अमाइन बनाना होगा तो CN यूज करेंगे, मतलब KCN, और कभी 2 डिग्री बहुत रेयर चांसेस है, अगर सनक गई मान लो जो एग्जाम बनाने वाला है उसकी सनक गई, एकदम बीवी से लड़ाई करके आया है कि आज तो सारा गुस्सा बच्चों पे उतारूंगा, तो वो हो सकता है 2 डिग्री अमाइन बनवा ले आपसे, आपको भी स्मार्ट रहना है। उस केस में KCN नहीं, बस खाली AgCN यूज कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब उसमें ये हो गया अपना, कौन सा हो गया, हाँ, अब उसके बाद में रिडक्शन वाली रिएक्शन कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड NH2 LiAlH4 करेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, क्या करना है, सी डबल बॉन्डों को साफ कर देना है, LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सी डबल बॉन्डों को साफ कर देना है। मैं यहीं पर एक और रिएक्शन भी बताऊंगा जिसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन,
ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन अपनी शायद वही रहने वाली है, पहले मैं वही करवा देता हूँ। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोलेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, या फिर एग्जाम्पल पूछ लेंगे। तो पहले तो याद रखना है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में Br2 और NaOH यूज करते हैं, Br2 के साथ में KOH भी यूज कर सकते हो। नाम देखो एक बार इस रिएक्शन का, होफमैन नाम के इंसान ने दी होगी तो वो अपना नाम तो रखेगा ही, होफमैन ब्रोमाइड क्यों, क्योंकि Br2 यूज कर रहे हैं। डिग्रेडेशन क्यों, समझाता हूँ डिग्रेडेशन क्यों। आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड NH2 है ना, ये सी डबल बॉन्डों को गायब कर देना, बस खत्म, सी डबल बॉन्डों को गायब कर देना तो RNH2 बन जाएगा। अमाइड, ये क्या है अमाइड, और अमाइड से क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, अमाइड से क्या बनेगा, अमीन। अब इस पे सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, सर जी इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ना भाई, इस पे सवाल पूछेंगे या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमीन बनेगा, और सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें NaOH के कितने मोल यूज होंगे, भाई सीधा सीधा लिखा हुआ है NCERT में NaOH के 4 मोल यूज होते हैं तो 4 मोल आएगा। बैलेंस रिएक्शन देख लोगे तो उसी में पता चल जाएगा कि NaOH के 4 मोल यूज हो रहे हैं, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अमाइड्स को अमीन में कन्वर्ट करने के काम आता है, NaOH के 4 मोल यूज होंगे, Br2 NaOH भी यूज कर सकते हो या Br2 KOH भी यूज कर सकते हो, और बैलेंस रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल करवा देता हूँ एक दो, ठीक है ना, एग्जाम्पल करवा देता हूँ, करोगे एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है बेंजीनामाइड, बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो NH2, अगर Br2 NaOH दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सी डबल बॉन्डों को गायब कर दो, है भाई सी डबल बॉन्डों को गायब कर दो तो एनिलीन बन जाएगा, सही है क्या, बस इतना ही तो करना है, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड हो NH2 और इसमें Br2 NaOH, बोलो क्या करोगे। देखो कुछ नहीं करना है, ये 3 कार्बन थे, सी डबल बॉन्डो गायब हो जाएगा तो 2 कार्बन वाला अमीन बन जाएगा, CH3CH2NH2। तो डिग्रेडेशन हो रहा है क्या, नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं क्या, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिग्रेडेशन है, क्या है बोलो, डिग्रेडेशन है। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक बात और है, हमेशा ही 1 डिग्री अमाइन बनेगा इसमें भी, क्या बनेगा बोलो, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। चलो अब हम लोग एक और रिएक्शन पे आ जाते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस चैप्टर में मैं खाली 2 रिएक्शन पढ़ के जाना चाहता हूं, तो मैं वो 2 रिएक्शंस कौन सी बोलूंगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या बोलूंगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ना देखने में बड़ी खतरनाक हो रही, बाप रे इतने इतने स्ट्रक्चर, लेकिन अगर तुम कायदे से समझोगे ना तो बस खाली ये आर है काम का और हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनता है, ये थैलेमाइड है। आपने KOH के साथ में रिएक्शन किया, इस एसिडिक एच को हटा दो, N- बन जाएगा और इस पे SN2 अटैक हो जाएगा। मतलब आप लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर्स को देख के घबरा जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं है, बस इस R को देखो और उससे NH2 लगा दो, वो प्रोडक्ट होगा, बाकी ये सारी चीजें हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी। ये बन गया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH इधर OH और बाकी इधर H और H लगा देंगे तो RNH2 बन जाएगा। यहां पर SN2 अटैक होता है, तो आपको समझना चाहिए कि SN2 अटैक कौन कौन सी जगह पर नहीं हो सकता है। बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहां पर SN2 अटैक है, SN2 अटैक जो है वो इस कार्बन पर कभी भी नहीं हो सकता है, इस वाले कार्बन पर SN2 अटैक कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और एनिलीन बनाना है तो बेंजीन पर NH2 जोड़ना है तो इसी कार्बन पर SN2 अटैक करवाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन वाई एनिलीन, या फिर एक्सप्लेन वाई, मतलब मैं लिख के दे रहा हूं, ये सवाल आएगा ही आएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उससे अगले उसी दिन मैं पेपर भी डिस्कस करवाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा ये बात कि यार देखो मैंने बोला था कि आएगा आएगा और आप लोगों ने किया या नहीं किया, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें आपको यही लिखना है कि इस वाले पे SN2 अटैक पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस। एक नंबर में आया तो इतना सा लिख दो, 2 नंबर में आया थोड़ा और डिटेल में लिख दो, 3 नंबर में आ गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दो, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है ना।
और उसके अलावा ये सवाल भी पूछ सकता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के ड्रॉबैक्स बताओ। खाली 1 डिग्री अमाइन बन सकता है इससे, क्या बन सकता है 1 डिग्री अमाइन। उसके अलावा बस क्या करना, हमेशा बस ये वाला देखना है, अगर ये CH3X होगा तो CH3NH2 बन जाएगा, अगर ये C2H5X होगा तो C2H5NH2 बन जाएगा, अगर ये बेंजीन पर CH2X होगा, अब बोलो ना बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है यार प्रोडक्ट, क्या बनेगा बेंजीन पर CH2NH2। अरे ये तो बन ही सकता है क्या भाई, ये तो बन सकता है। डायरेक्टली अगर NH2 कनेक्टेड होगा तो वो नहीं बनेगा, डायरेक्टली NH2 कनेक्टेड होगा तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो मैं फिर से बता रहा हूं, इस पे फिर से टाइम दे रहा हूं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होगा, पहला 1 डिग्री अमाइन बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनाया जा सकता है। दूसरा, 1 डिग्री अमाइन में भी एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि वहां पर SN2 अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, अब उसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यार, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए, फोन से कनेक्टेड होना चाहिए, फोन होता है, अरे PHONE नहीं, FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से कनेक्टेड है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब समझ रहे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो अपना अमोनिया हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन 3 डिग्री वाले में नहीं हो पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ या ना बोलो। 3 डिग्री वाले में देखो यहां पर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 3 डिग्री वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। उसके अलावा अगर सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो ये अपना जो पार्ट है यार वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कार्बन वाले पार्ट जितना बड़ा होगा ना, कार्बन मतलब पानी से नफरत करता है, आप ऐसे समझो, कार्बन जो है वो पानी से नफरत कर सकता है, नफरत करता है, तो कार्बन वाले पार्ट जितना बड़ा होगा उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी पानी में, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि वो डाइपोल मतलब वैन डर वाल फोर्सेज उतना ही ज़्यादा रखेगा। तो इस वाले पार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम ही है। ये इधर की तरफ देख लो एक बार कि कैसे 1 डिग्री अमाइन जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है, क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या 3 डिग्री वाले केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं 3 डिग्री वाले में नहीं होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले में होगी और अमोनिया में तो होती ही होती है, ठीक है। चलो यहां पर एक बार देख लो मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना है, अगर इन सभी में देखोगे तो मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है, तो सबसे ज्यादा तो एल्कोहल का होगा यार, क्योंकि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बहुत अच्छी होती है। अमीन्स में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में अगर तुम बात करते हो ना, सुनना ध्यान से भाई, उसके बाद में अगर बात करते हो तो 1 डिग्री वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ज्यादा होगा, ये 1 डिग्री वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 1 डिग्री वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ये वाला 2 डिग्री था थोड़ा कम होगा, ये वाला 3 डिग्री था और भी कम होगा, क्यों और भी कम होगा, और ये एल्केन ही है, एल्केन तो एल्केन में तो भैया बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये वैसे सवाल पूछते नहीं है इस पे, बाकी एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और फिर एल्केन, ये अमाइन की बात कर रहा हूं मैं। इफ मॉलिक्यूलर मास इज ऑलमोस्ट सेम, मॉलिक्यूलर मास इज ऑलमोस्ट सेम, 3 डिग्री वाले का सबसे कम क्यों है, क्योंकि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है उसमें। चलो अब उसके बाद में रिएक्शन करते हैं यार, एसाइलेशन रिएक्शन, अगेन वेरी वेरी लेस चांसेस की रिएक्शन पूछे, आपको कुछ नहीं करना है यार। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करना है, जैसे मान लो ये CH3NH2 है, इसकी रिएक्शन आपने एसिड क्लोराइड के साथ में कर दी, ठीक है, पिरिडीन भी यूज करते हैं यहाँ पर, पिरिडीन एक बेस रहता है, आपको कुछ नहीं करना, एच यहाँ से निकाल देना है, सीएल यहाँ से निकाल देना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो सीधा ऐसे जुगाड़ बता रहे हो, कुछ मैकेनिज्म बताओ, अरे भाई क्यों करना है मैकेनिज्म, क्यों करना है, क्यों अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3NH और C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसी की जगह पर ना एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड ना बच्चों को इतना खतरनाक लगता है ये वाला चीज, जबकि ये है कुछ नहीं,
कुछ नहीं करना, आपको वही एच यहाँ से निकालना है और ये वाला पार्ट यहाँ से निकालना है, तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा और प्रोडक्ट वही बनेगा CH3NH और C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है। क्या है? एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइड हैलाइड के साथ में, मतलब एसिड क्लोराइड के साथ में भी कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में भी कर सकते हो। एसिटिक एनहाइड्राइड को ना ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ओ सी डबल बॉन्ड हो CH3 है, इसको ना बुक्स वगैरह में ऐसा लिख दिया जाता है, ये इधर वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट सेम है, तो ये CH3CO2O ऐसा लिख देते हैं, या फिर इसको लिख देते हैं AC2O, मतलब ये जो इस ये ग्रुप होता है उसको एसिटेट ग्रुप बोलते हैं, तो AC2O, तो बच्चे घबरा जाते हैं, वो एक्चुअली यही है। ठीक है, एक बार रिएक्शन देख लो, कुछ नहीं करना, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली क्या करना है, अगर फाइनली देखोगे तो क्या है, बेसिकली एच यहाँ से निकालना है और सी एल यहाँ से निकालना है। वैसे ही यहाँ से भी 2 डिग्री वाले में भी देखोगे तो एच यहाँ से और सी एल यहाँ से, 3 डिग्री वाला ये रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा, क्यों यार, क्योंकि 3 डिग्री वाले में एच है ही नहीं, तो यहाँ से सी एल निकालोगे लेकिन इधर से एच निकालने के लिए रहेगा ही नहीं, तो 3 डिग्री वाले में फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऐसे ही एसिडिक एनहाइड्राइड में भी ये रिएक्शन हो सकती है, एच यहाँ से और ये वाला पार्ट एसिटिक एसिड निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और एसिटिक एसिड। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इन रिएक्शन में, है ना, जहाँ पर मैं बताऊँगा वहाँ पर दिमाग लगाना है। ऐसे इधर की तरफ से सी एल निकाल दो, एच निकाल दो, ये बन जाएगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, अगेन ये वाली रिएक्शन पे दिमाग लगाना है, कार्बेलामाइन टेस्ट आएगा, जरूर आएगा कार्बेलामाइन रिएक्शन। ठीक है ना, कार्बेलामाइन रिएक्शन सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देते हैं, मतलब अगर आपको एक बंदा आया गजनी, जिसको यादाश्त चली गई है, जिसको कुछ याद नहीं है, और वो ऐसे टेस्ट ट्यूब लेके आया, बोलेगा भैया मेरे को याद नहीं है कि मैंने इसमें 1 डिग्री अमाइन मिलाया था या नहीं मिलाया था, याद हल्का हल्का आ रहा है कि 1 डिग्री अमाइन मिलाया था लेकिन कन्फर्म नहीं हूँ, तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है 1 डिग्री अमाइन के लिए। आप उसमें क्या यूज कर दो, CHCl3KOH यूज कर दो, क्या यूज कर दो, CHCl3KOH डाल दो। अगर तुमको सड़ी हुई स्मेल आने लग जाए, देखो सड़ी हुई स्मेल किस में बताया था, क्या बताया था बोलो, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बताया था, क्या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड बनता है तब। अगर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन गया, अगर एकदम सड़ी हुई स्मेल आने लग गई, अब अगर नाक सही है तो आ ही जाएगी ना स्मेल, तो आइसोसाइनाइड अगर बन रहा है तो समझ जाना कि वो 1 डिग्री ही होगा। सो दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाई 1 डिग्री अमाइन, नोट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। उसके अलावा रिएक्शन क्या पूछ सकते हैं कि KOH के कितने मोल्स यूज होंगे, तो 3 मोल्स यूज होंगे। और एक बात याद रखना केमिस्ट्री में, कि भाई कभी भी CHCl3 और KOH साथ में दिख जाए ना, तो अपना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे हो सकता है कि कोई काम ना आए आपके बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कहीं और काम आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ये बात याद रखना आप लोग, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर CHCl3 और KOH मिल गया किसी रिएक्शन में, CHCl3 और KOH लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि डाइक्लोरोकार्बीन जरूर बनता है। ये ऐसा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में, ये डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पर। ठीक है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेलामाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बिल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, एंड इट इज यूज फॉर अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और भी टेस्ट देखेंगे हम लोग इसमें, लेकिन ये रिएक्शन अगेन इस पे टाइम दे रहा हूँ, देख लो, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो इस रिएक्शन को नहीं दिखाते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डज नॉट शो दिस रिएक्शन, NH2 होना चाहिए मतलब। ठीक है, चलो नाइट्रस एसिड के साथ में अगेन कुछ दिमाग नहीं लगाना, नाइट्रस एसिड इज HNO2, या फिर कभी कभी NaNO2+HCl भी लिख देते हैं, NaNO2+HCl। अगर नॉर्मल अमाइन होगा, सुनो ध्यान से, नॉर्मल अमाइन मतलब CH3 हो या C2H5 हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है, OH लगा देना है, NH2 की जगह पर OH। पहले ये बनता है डाइजोनियम बनता है, तो उस केस में तो एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन अगर बेंजीन वाला केस होगा तो उस केस में हमारा ये डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल सोल्ट रहता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कभी CH3NH2 दे दिया और इसमें NaNO2+HCl यूज किया आपने, ठीक है, तो वो पहले तो ये बनाएगा लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, तो OH अपने आप ही लग जाएगा। लेकिन अगर आपने बेंजीन पे NH2 है और फिर ये रिएक्शन करवाई, तो आप समझ जाना कि यहां पर क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? डाइजोनियम क्लोराइड, और ये स्टेबल होगा। अब इसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
किस में कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। चलो तो ये वाला मैंने बता दिया कि अगर बेंजीन पे NH2 है, NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा ये रिएजेंट, तो समझ लेना कि अपना एनिलीन है और उसको डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के काम में आया है, ठीक है। और 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन करता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट की। किसकी? हिंजबर्ग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रिएजेंट है? हिंजबर्ग रिएजेंट। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं वन मार्क में, व्हाट इज हिंजबर्ग रिएजेंट? बेंजीन पे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सीएल, क्या है ये? हिंजबर्ग रिएजेंट है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट करने के काम आता है। कुछ मत करो आप, इस रिएक्शन को देखो, आपके पास में क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, यहां से एच निकाल लिया, यहां से सीएल निकाल लिया, तो बेंजीन पे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और बाकी ये जो चीज है वो इधर जुड़ जाएगी, NHC2H5, रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट बनता है ये। अगर 2 डिग्री होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, H और Cl बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या 3 डिग्री वाला ये रिएक्शन दिखाएगा? 3 डिग्री वाले केस में प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मतलब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करना, कोई बंदा आया आपके पास में ऐसे टेस्ट ट्यूब लेके, बोला यार भैया मैं इसमें कुछ अमाइन डाल के लाया हूं लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आप क्या करो उसमें हिंजबर्ग रिएजेंट डाल दो। अगर हिंजबर्ग रिएजेंट डाला और कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट वगैरह कुछ नहीं बना, तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई, और रिएक्शन नहीं हुई है मतलब 3 डिग्री अमाइन है। क्या है बोलो? 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि देखो ना 1 डिग्री अमाइन भी रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है, 2 डिग्री अमाइन भी होता तो प्रेसिपिटेट बना देता, 3 डिग्री वाला रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 डिग्री वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या बात? 3 डिग्री वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो 3 डिग्री है, अब प्रेसिपिटेट बन गया तो बन गया मतलब रिएक्शन हुई है, रिएक्शन हुई मतलब या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। अब 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो उन दोनों में से कैसे पता करोगे? तो क्या बोला? देखो एक हाइड्रोजन और है यहां पर, अगर इसकी रिएक्शन एल्कली के साथ में करवा दोगे, बेस के साथ में करवा दोगे, तो ये इस H+ को निकाल लेगा, सोल्ट बन जाएगा, एंड दैट सोल्ट विल बी सोल्यूबल इन वाटर। या फिर मैं बोलूं जो प्रेसिपिटेट बना है उसमें थोड़ा सा बेस मिला दो, अगर वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाए, घुल जाए, तो मतलब 1 डिग्री वाला रहा होगा क्योंकि उसमें ये हाइड्रोजन वाला बनता है प्रेसिपिटेट। इसको अगर तुम बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सोल्ट बन जाएगा, घुल जाएगा वो। तो कैसे? एक बार फिर से शुरुआत से करते हैं। एक बंदा आया गजनी, सर पे चोट लगी हुई है, याद नहीं रहता कुछ, 10 मिनट में भूल जाता है। बोला क्या भैया कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मुझे याद नहीं है कि मैं कौन सा वाला अमाइन डाल के लाया हूं, आप मेरी हेल्प करो। आप क्या करो? उसमें हिंजबर्ग रिएजेंट डाल दो। अगर हिंजबर्ग रिएजेंट डालते ही प्रेसिपिटेट नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, जैसा आपने हिंजबर्ग रिएजेंट डालने से पहले देखा था वैसा का वैसा ही बाद में, तो समझ लेना कि कोई रिएक्शन नहीं हुई है, रिएक्शन नहीं हुई है, 3 डिग्री अमाइन है। रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट बन गया मान लो, तो प्रेसिपिटेट बनना इस बात की पहचान है कि या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। अब उन दोनों में से कैसे पता करोगे? तो थोड़ा सा बेस डाल दो। अगर बेस डालने पे वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है मतलब 1 डिग्री है, प्रेसिपिटेट गायब नहीं होता है तो मतलब 2 डिग्री है। इस पे पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो हिंजबर्ग रिएजेंट हो गया तो टर्सरी जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ में। मैं ना ये पूरा पीपीटी डाल दूंगा मतलब लिंक में नीचे, तो आप देख लेना उसमें, ठीक है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर लेते हैं एनिलीन की। तो इन पे ना सीधा सीधा सवाल बन सकता है, अगर मान लो एनिलीन की आपने डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करी तो क्या होगा? यार बेंजीन पे NH2 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो तीनों पोजीशन पे NH2 BR चिपक जाएगा, तीनों पोजीशन पे क्या होगा? तीनों पोजीशन पे BR चिपकेगा और वाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा बोलो? वाइट प्रेसिपिटेट। ये सिर्फ एनिलीन देता है और फिनोल भी देता है, लेकिन फिनोल से तो सवाल पूछेंगे नहीं, तो एनिलीन ही ये रिएक्शन देता है, बाकी कोई और नहीं देता है। तो नॉर्मल 1 डिग्री अमाइन होगा, जो एलिफैटिक अमाइन है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर कभी तुमसे पूछ लिया कि CH3NH2 एंड बेंजीन पे NH2, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो यूजिंग ब्रोमीन वाटर, BR2 वाटर। कैसे? गजनी आया टेस्ट ट्यूब लेके, बोलेगा भैया मैं इसमें कुछ डाल के लाया लेकिन भूल गया हूँ क्या डाल के लाऊँ, या तो ये है या ये है। कैसे हेल्प करोगे? ब्रोमीन वाटर डाल दो। अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया मतलब एनिलीन होगा, नहीं बना मतलब
मिथाइलामाइन होगा। चलो, लेकिन अगर मान लो मैं तीनों बीआर की जगह पर एक ही बीआर चिपकाना चाहता हूं, तो आप क्या करो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा दो, एसाइलेशन रिएक्शन होगी, एच यहां से निकाल दो और ये वाला पार्ट इधर से निकाल दो, तो ये हो गया। अब इसका जो प्लस एम है ना, वो इधर की तरफ भी आएगा, लेकिन इधर की तरफ भी आएगा। अरे ये बंदा है, पहले ये बंदा पूरा पूरा ध्यान अपनी एक गर्लफ्रेंड पे दे रहा था, अब क्या हुआ, इसका ध्यान इधर भी है और एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी बन गई है, तो इस तरफ ध्यान क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, इसका प्लस एम इफेक्ट थोड़ा कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो आप क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करवा दो, तो बीआर चिपक जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, वापस से NH2 बन जाएगा। तो ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि अगर मतलब आप लोगों को तीनों बीआर चिपकाने हैं तो डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करवा दो, लेकिन एक बीआर चिपकाना है तो पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाओ, फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे और अपना हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर अपन लोग नाइट्रेशन करवाएंगे, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन करवाएंगे, इस पे मतलब सवाल पूछा जाता है यार, बोर्ड में भले ही ना पूछे, नीट वगैरह में पूछ सकते हैं। अगर अपन लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो पैरा और ऑर्थो वाले प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, मेटा वाला तो बिल्कुल नेग्लेजिबल अमाउंट में बनना चाहिए था, लेकिन मेटा वाला कितना बनता है, 47%। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मतलब मेटा वाला प्रोडक्ट एक अच्छी खासी अमाउंट में क्यों बन जाता है, रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये बेस है और ये एसिड है, तो ये H+ के साथ में रिएक्शन हो जाएगी और एनिलीनियम आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, एनिलीनियम आयन बन जाएगा और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा वाला प्रोडक्ट भी अच्छी खासी अमाउंट में बनेगा, ठीक है भाई। अगर हमको सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे चिपकाना है तो अगेन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर देंगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा या फिर ऑर्थो वाला बनेगा। सल्फोनेशन करवाएंगे, कुछ नहीं है, अपना ज्यूट्राइन बन सकता है, ये ज्यूट्राइन ज्यूट्राइन ज्यूट्राइन, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। ज्यूट्राइन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, क्योंकि उसमें ना तो ओवरऑल चार्ज देखोगे तो जीरो रहता है इसमें, ठीक है। चलो, अब उसके अलावा ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि एनिलीन जो है वो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं करता है, क्योंकि एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग CH3Cl AlCl3 के साथ में करेंगे तो ये सीधा AlCl3 के साथ में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना, और एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉल्ट बना देगा, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आगे रिएक्शन बढ़ नहीं पाएगी, तो AlCl3 डायरेक्टली एनिलीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। चलो, डाइजोनियम क्लोराइड की, डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको देखना है कि ये डाइजोनियम क्लोराइड मैंने बताया था कि काफी स्टेबल होता है, अगर NaNO2+HCl की रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है और इससे हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी मतलब आपको Cl चिपकाना है, Br चिपकाना है, आयोडीन चिपकाना है, CN चिपकाना है, OH चिपकाना है, कुछ भी चिपका सकते हो, Cu2Cl2 करोगे Cl चिपक जाएगा, Br चिपक जाएगा, CN चिपक जाएगा, ठीक है ना, Ki के साथ में करोगे आयोडीन चिपक जाएगा, फ्लोरीन भी चिपका सकते हो आप, क्या कर सकते हो, फ्लोरीन चिपका सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं चिपका पाएंगे, HBF4 के साथ में रिएक्शन कराओ तो N2+BF4- और फिर इसको हीट कर दो तो फ्लोरीन चिपक जाएगा, फ्लोरीन चिपकाने का एकमात्र रास्ता है, बेंजीन पे फ्लोरीन चिपकाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन मान लो कि आप लोग ना क्या करना चाहते हो, कुछ भी नहीं चिपकाना चाहते, सिर्फ इसको गायब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बोलो, गायब करना चाहते हो, तो दोस्तों दो रास्ते हैं, एक आप यूज कर सकते हो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और या फिर यूज कर सकते हो इथेनॉल, क्या यूज कर सकते हो, इथेनॉल, गायब करने के दो रास्ते होते हैं, H3PO2 और इथेनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो मैं यही बता रहा था, H3PO2 और इथेनॉल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा अपना। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मैंने बताया था कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं, आप एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, किसमें, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, तो एनिलीन है बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो पहले आप क्या करो, डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, NaNO2+HCl 0 to 5 degree Celsius, क्या हो जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और फिर आप H3PO2 यूज कर दो तो अपना ये साफ हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। उसके अलावा NO2 भी चिपका सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, यहां से H हटा देना है और N डबल बॉन्ड N के साथ में जोड़ देना, आपको कलर याद रख सकते हो आप लोग, फिनोल वाले केस में फिनोल, ओल मतलब ऑरेंज कलर होगा, फिनोल वाले केस में ऑरेंज कलर होगा, है ना, फिनोल वाले केस में ऑरेंज कलर होगा, फिनोल ओल ऑरेंज, और एनिलीन वाले केस में क्या हो जाएगा, अपना येलो कलर की डाई बनती है,
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं लास्ट में बता देता हूं आपको, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लास्ट में बता देता हूं वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड्स पे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो मैं बता रहा हूं, CS3 वाले केस में 213 का ऑर्डर होता है और C2H5 वाले केस में 231 का ऑर्डर होता है, ठीक है। छोटा ग्रुप है, छोटा नंबर आएगा, बड़ा ग्रुप है, बड़ा नंबर आएगा। CS3 छोटा ग्रुप है, 213 मतलब 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। C2H5 बड़ा ग्रुप है, बड़ा नंबर, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। एक बात और, सवाल, एक सवाल और पूछते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको कर, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, है ना, जो आपको अगेन पूछा जाएगा जरूर, ये ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, है ना। ये सवाल मतलब आपसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए। एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब बेंजीन से डायरेक्टली NH2 जुड़ा हुआ है या बेंजीन से डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यार ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहेगा, है ना। दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो मतलब लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। ये वर्ड यूज कर दो, जो पेपर चेक करने वाला है ना वो अपने आप ही सोचेगा कि हाँ यार इस बंदे को कुछ आता तो है ना। कुछ ऐसे जुगाड़ू टर्म्स यूज कर दो, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब इधर उधर घूम रहा है ना, या फिर ऐसे लिख दो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। अब इधर उधर घूम रहा है तो भाई किसी और दूसरे को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हमको लिखने पड़ेंगे तब मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो भाई मैंने ये क्वेश्चंस आपको बता दिए, आप लोग इनको एक बार पढ़ लो, जो ये लेक्चर है वो आप लोग NCERT के साथ में एक बार देख लोगे, आपका काम हो जाएगा सेट। अब हम लोग अगले चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे, तो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और घंटी दबाना मत भूलना।